नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग D7 या फिर डी डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इस कॉर्ड में यूज होने वाले नोट्स। वो नोट्स हैं हमारे डी, एफ शार्प, ए और सी। तो इन चारों नोट्स को हम लोग पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहीं भी बजा दें तो हमारा D7 गिटार कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हमें किस तरीके से बजाना है इसे। तो सबसे पहले फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ पे बजाना आपको, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, अपने आपको मिडिल फिंगर रखनी है। थर्ड स्ट्रिंग दूसरी फ्रेट पे, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, और अपनी रिंग फिंगर रखनी है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, और फिर बजाना आपको 4-3-2-1, 1-2-3-4। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखते हैं। चौथी स्ट्रिंग ओपन, मिडिल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, इंडेक्स फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, रिंग फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ठीक है दोस्तों, फिर यहां से बजाइए 4-3-2-1, 1-2-3-4। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारा D7 या फिर डी डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड। अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।